नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे क्या होते हैं सिविल प्रकृति के भाद। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया आप इस वीडियो को अंत तक सुनें एवं शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। हम जानते हैं कि जहाँ भी और जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है तो कानून के अंतर्गत उसके संबंध में हमें उपचार या उपाय भी उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि हमें उन उपचारों को प्राप्त करने के लिए किस फोरम में जाना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे किस प्रकार के अधिकार का हनन हुआ है। मौजूदा वीडियो में हम सिविल प्रकृति के उन मामलों के बारे में बात करेंगे जिनका विचारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 में यह प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों के पास सभी दीवानी या सिविल स्वभाव या प्रकृति के मामलों के विचारण का अधिकार होगा। हालांकि इनमें वह मामले शामिल नहीं होंगे जिन मामलों का सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना स्पष्ट या निहित रूप से वर्जित किया गया है। सिविल प्रकृति के सूट या मुकदमा क्या है, यह संहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 और 2 के द्वारा समझाया गया है। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय या पूर्ण रूप से अलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। वहीं स्पष्टीकरण 2 यह कहता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह बात तात्विक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं, अथवा ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। इसलिए धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि संपत्ति या कार्यालय संबंधित अधिकार पर यह तथ्य कोई फर्क नहीं डालेगा कि यह पूरी तरह से धार्मिक संस्कार या समारोह के रूप में प्रश्नों के निर्णय पर निर्भर करता है। स्पष्टीकरण 2 इसे और भी विस्तृत करता है और कहता है कि जहाँ तक कि उन कार्यालयों को भी इसमें संलग्न किया जाएगा जिनके लिए कोई शुल्क सम्मिलित नहीं है। इसलिए यह शुरू से ही कल्पना की गई थी कि एक सूट जिसमें संपत्ति या कार्यालय का अधिकार शामिल है, दीवानी प्रकृति का सूट या मामला होगा। इससे संबंधित एक केस है, उगम सिंह और मिश्री मल बनाम केसरी मल एवं अन्य 1971 का मामला है, के बाद में यह अभियोजित किया गया था कि पूजा करने का अधिकार एक सिविल अधिकार है जो एक सिविल सूट का विषय हो सकता है। न्यायालय ने देखा था यह स्पष्ट है कि पूजा करने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है जिसके साथ हस्तक्षेप एक नागरिक प्रकृति का विवाद होगा। इसी प्रकार दूसरा मामला है श्री सिन्हा रामानुज जीर एवं अन्य बनाम श्री रंगा रामानुज जीर एवं अन्य 1962 का मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा था कि प्रथम दृष्टया धार्मिक संस्कारों और समारोहों के संबंध में सवाल उठाते हुए सूट दीवानी न्यायालय में बनाए रखने योग्य नहीं होते, अर्थात दीवानी अदालतें ऐसे मामलों का विचारण इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे मामले पार्टियों के कानूनी अधिकार से निपटते हैं। संहिता की धारा 9 के दोनों स्पष्टीकरण इस बात को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहते हैं कि यदि संपत्ति या किसी कार्यालय पर अधिकार के संबंध में एक सूट लाया जाता है तो वह दीवानी प्रकृति का एक सूट होगा। इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार पूरी तरह से धार्मिक संस्कार या समारोह के रूप में एक प्रश्न के निर्णय पर निर्भर हो सकता है। इसके पश्चात देखेंगे दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र या ज्यूरिडिक्शन। तो देखें अदालत के क्षेत्राधिकार दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार या ज्यूरिडिक्शन से यह तात्पर्य है
कि न्यायालय द्वारा मामलों का विचारण करने और सुनवाई करने और उचित निर्णय देने के लिए कानून द्वारा किस हद तक शक्तियाँ प्रदान की गई है। निहित अधिकार क्षेत्र को उस शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके बिना न्यायालय न्याय और अच्छे कारण के साथ कार्य करने में असमर्थ होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 भारत में सिविल न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के पहलू से संबंधित है। इस संदर्भ में एक मामला है, गंगाबाई बनाम विजय कुमार AIR 1974 SC 1126 के मामले के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दीवानी प्रकृति का एक सूट लाने का एक अंतर्निहित अधिकार है और जब तक कि एक सूट को कानून द्वारा वर्जित या प्रतिबंधित नहीं किया जाता, एक व्यक्ति अपनी इच्छा के मुताबिक एक सिविल सूट दीवानी न्यायालय में विचारण हेतु ला सकता है। यह तर्क कभी नहीं दिया जा सकता कि एक सूट इसलिए अदालत में नहीं लाया जा सकता क्योंकि कानून मुकदमा या सूट लाने का कोई अधिकार नहीं देता है। एक सूट के दीवानी अदालत द्वारा विचारण हेतु किसी कानून की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती और यह पर्याप्त है कि कोई भी कानून उस विशेष सूट के अदालत द्वारा विचारण को रोकता या वर्जित नहीं करता है। धारा 9 के अंतर्गत प्रत्येक शब्द और अभिव्यक्ति नागरिकों के सिविल या दीवानी अधिकार के प्रवर्तन के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए अदालत या न्यायालय पर एक दायित्व अधिरोपित करती है। इस धारा के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि कोई भी अदालत एक दीवानी मामले के विचारण से मना नहीं कर सकती यदि वह मामला इस धारा के अंतर्गत दीवानी न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दीवानी अदालत के समक्ष दो तत्व मौजूद होने पर उस एक दीवानी मामले के विचारण का अधिकार है। तो पहला मामला, सूट सिविल प्रकृति का होना चाहिए। दूसरा, इस तरह के एक सूट का संज्ञान स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है सिविल प्रकृति का सूट। आइए चलें। एक सिविल कोर्ट के पास एक सिविल मामले के विचारण का अधिकार क्षेत्र है या नहीं, यह तय करने के लिए यह समझना जरूरी है कि वह मामला सिविल प्रकृति का है अथवा नहीं। संहिता में सिविल शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मानक शब्दकोश के अनुसार यह किसी नागरिक के निजी अधिकारों और उपायों या उपचारों से संबंधित है जो कि आपराधिक, राजनीतिक आदि से अलग है। शब्द प्रकृति को किसी व्यक्ति या चीज के मूलभूत गुणों, पहचान या चरित्र के रूप में परिभाषित किया गया है। सिविल प्रकृति की अभिव्यक्ति सिविल कार्रवाई की तुलना में व्यापक है। इस प्रकार एक सूट एक सिविल प्रकृति का होता है यदि उसमें मुख्य प्रश्न नागरिक, सिविल, दीवानी अधिकार और प्रवर्तन के निर्धारण संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में सिविल मामला क्या है, यह प्रश्न सूट की पार्टियों की स्थिति से संबंधित नहीं है बल्कि सूट के विषय वस्तु से संबंधित है और यही बात यह निर्धारित करती है कि एक सूट सिविल प्रकृति का है या नहीं। इसके बाद यह भी स्पष्ट रूप से तय किया गया है कि कानून में यदि यह बताया गया कि कॉज ऑफ एक्शन सिविल प्रकृति के एक मामले का गठन करता है तो प्लेंट या वाद पत्र को अदालत द्वारा तब तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वाद पत्र के बयानों के मुताबिक किसी भी कानून के अनुसार मामले का सिविल न्यायालय द्वारा विचारण वर्जित न किया गया हो या वाद पत्र को आर्डर 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित आधार पर लौटा न दिया गया हो। इस प्रकार संहिता की धारा 9 और आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दीवानी न्यायालय में मुकदमा बनाए रखने के लिए वाद पत्र में उस कॉज ऑफ एक्शन का खुलासा किया जाना चाहिए जो सिविल प्रकृति की कार्रवाई का कारण बनाता हो, जो कि
ना तो किसी कानून द्वारा वर्जित होना चाहिए और ना ही उसका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित होना चाहिए। अभिव्यक्ति एक सिविल प्रकृति का सूट एक नागरिक के निजी अधिकारों और दायित्वों को कवर करता है। एक सूट जिसमें मूल प्रश्न जाति या धर्म से संबंधित है एक सिविल प्रकृति का सूट नहीं है। लेकिन अगर किसी मुकदमे में मुख्य प्रश्न सिविल प्रकृति जैसे संपत्ति का अधिकार या किसी कार्यालय का हो, भले ही उसमें एक जातिगत प्रश्न या धार्मिक अधिकारों और समारोहों से संबंधित अधिकार जुड़ा हुआ है, तो यह एक सिविल प्रकृति का सूट माना जाएगा और ऐसे मामले में एक सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र को वर्जित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत के पास यह अधिकार है कि वह उन संबंधित मामलों पर भी फैसला करे जो प्रमुख प्रश्न के निर्णय के लिए आवश्यक है। तो हम देखते हैं सिविल प्रकृति के सूट के क्या उदाहरण हैं। तो सबसे पहले संपत्ति के अधिकारों से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, पूजा के अधिकारों से संबंधित सूट होना चाहिए। धार्मिक जुलूस निकालने से संबंधित सूट होना चाहिए। सिविल रॉन्ग के लिए डैमेज की मांग के लिए सूट होना चाहिए। अनुबंध के लिए विशिष्ट प्रदर्शन या अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षति से संबंधित सूट होना चाहिए। विशिष्ट राहत के लिए सूट होना चाहिए। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए सूट होना चाहिए। विवाह के विघटन के लिए अभियोग के संबंध में होना चाहिए। किराए के लिए होना चाहिए। मताधिकार के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए होना चाहिए। उसके बाद वंशानुगत कार्यालयों के अधिकारों के लिए सूट दाखिल किया जा सकता है। उसके पश्चात सेवा से और वेतन आदि से गलत बर्खास्तगी के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। अब देखते हैं कौन से सूट सिविल प्रकृति के नहीं होते। तो प्रायः मुख्यतः जातिगत प्रश्नों से संबंधित सूट या पूरी तरह से धार्मिक संस्कार या समारोह से में शामिल होने वाले सूट या केवल सम्मान या सम्मान को बनाए रखने के लिए सूट या जाति आदि से निष्कासन के विरुद्ध लाया गया मुकदमा सिविल प्रकृति के सूट नहीं होते। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।